हेलो एवरीवन। तो अपने स्कूल के ग्राउंड में जाकर युहा को यादें आने लगती हैं कि किस तरह से सुजैन बुली बॉय से उसको बचाया करती थी। वो हमेशा से उसकी लाइफ में सनशाइन बनकर आई थी। वो बैलून्स के एक्सप्लोड होने से डरता था, लेकिन सुजैन उसको समझाती है कि इनसे खेलना चाहिए, इनसे मज़ा आता है, ये कोई डरने की चीज़ नहीं। उसकी मम्मी ने भी उसको समझाया था, लेकिन उनका तरीका काफ़ी वायोलेंट था, लेकिन सुजैन का तरीका हमेशा से बहुत हार्ट वार्मिंग होता था। आज युहा उससे थैंक्स करता है कि तुम मेरी लाइफ में आई। सुजैन भी उसको एक फिंगर फ्लिक करके उससे बदला लेती है कि तुमने इतने साल मुझे सैड रखा। और फिर वो दोनों एक साथ बहुत सारा एंजॉय करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट सीन में प्रोफेसर डू सबको यही कहते हैं कि बाकी सब कुछ तो हमने अचीव कर लिया जो भी हमने प्लान किया था, लेकिन टॉप 3 स्टूडेंट्स की जो लिस्ट बनाई थी, थर्ड नंबर वाला हमें मिल गया है, लेकिन फर्स्ट 2 हमें नहीं मिल रहे, बल्कि वो उनकी राइवल यूनिवर्सिटी में जाने का प्लान कर रहे हैं। वो कहते हैं कि हमारे पास लास्ट चांस है ग्रैब करने का, अभी भी जाओ, कुछ भी करो, लेकिन उन स्टूडेंट्स को हमारी यूनिवर्सिटी में आना चाहिए। अब सुजैन और युहा को ये मिशन मिला था। वो लोग उनके नंबर ट्राई करते हैं, लेकिन नंबर थे कि लग ही नहीं रहे थे। इतने में उनको एक और इन्फॉर्मेशन भी मिलती है, और वो यही थी कि वो दोनों स्टूडेंट्स बहुत पक्के फ्रेंड्स हैं और उनको कॉमिक बुक्स पढ़ना बहुत पसंद है। वॉन्ग भी उनसे एक बहुत बड़ी न्यूज़ शेयर करता है। वो बताता है कि कुछ कॉमिक करेक्टर्स जो कि बहुत रेयर हैं, एक मॉल में आज दोपहर को 2 बजे वो डिस्प्ले होंगे और लोग वेंडिंग मशीन से उसे पकड़ेंगे। अब वहीं पर ही उन दो स्टूडेंट्स ने भी आना था, लेकिन सुजैन का प्लान रेडी था। जब वो लोग वहां जाते हैं तो देखते हैं कि वेंडिंग मशीन में उनके फेवरेट करेक्टर्स थे ही नहीं, बल्कि वो पीछे वॉन्ग और उसकी टीम ने पहले ही कैच किए हुए थे। अब वो उनके साथ एक बहुत मजे की गेम खेलते हैं। कहते हैं कि रॉक पेपर सीजर्स खेलेंगे, देखते हैं कि कौन जीतता है। अगर तुम हारे तो उसके बाद तुम हमारी बात सुनोगे, हम एक चांस दोगे। अब वो जीनियस बॉय हार जाता है। अब उसके फ्रेंड को लगा था कि ये तो ऐसे ही हार गया, मैं आगे बढ़ता हूँ, लेकिन वो भी वॉन्ग से हार जाता है। एक्चुअली उन्होंने रॉक पेपर सीजर से रिलेटेड ब्रेन में जो भी एक्टिविटीज आती हैं और जैसे जैसे इसकी प्रोबेबिलिटी होती है फर्स्ट में और सेकंड चांस में, वो सब कुछ स्टडी किया हुआ था। उसी के ही अकॉर्डिंग वो उनको काफ़ी देर फूल बनाते रहते हैं और हर दफ़ा वॉन्ग ही जीतता रहता है। अब वो बॉयज इतने हैरान रह गए थे कि हम बार बार क्यों हार रहे हैं। अब इसका आंसर युहा के पास था। वो कंप्यूटर साइंस में जीनियस था और ब्रेन डेवलपमेंट से रिलेटेड उसने बहुत सारी रिसर्च भी की हुई थी। वो उसी रिसर्च की ज़ुबान में उनको समझाता है कि हमने यही डाटा यूज़ किया है तुम लोगों को यहाँ पर ट्रिक करने के लिए। अब खुद ही सोचो कि हम लोग इस फील्ड में कितना आगे हैं। मिंग जियांग यूनिवर्सिटी भी बहुत अच्छी है, लेकिन जिस फील्ड में तुम लोग मास्टर करना चाहते हो वो हमारी यूनिवर्सिटी में बेस्ट पढ़ाई जाती है। इन दी एंड वो लोग बहुत रिलीव्ड फील करते हैं, क्योंकि वो दोनों स्टूडेंट्स अब उनकी यूनिवर्सिटी में आ रहे थे। शहर के टॉप 3 स्टूडेंट्स उन्होंने अपनी यूनिवर्सिटी में एनरोल करा लिए थे। आज डिनर करते समय सुजैन फील करती है कि जैसे युहा की तबीयत खराब लग रही है। वो उसे घर ले जाती है और उसका टेम्परेचर चेक करती है तो उसे फीवर था। वो बार बार यही कहे जा रहा था कि मुझे ठंड लग रही है। सुजैन कभी उसके लिए गर्म पानी ले आती है, कभी हीटर ऑन करती है, लेकिन उसकी ठंड थी कि जा ही नहीं रही थी। युहा उसे कहीं भी मूव करने से रोक लेता है और फिर उसे किस करता है, लेकिन ऑन द वे वो स्टॉप कर जाता है। कहता है अब नहीं करूँगा वरना तुम भी इन्फेक्टेड हो जाओगी। पर सुजैन को ये एक्सेप्ट नहीं था। वो कहती है मैं बहुत डीट हूँ, मुझे कुछ नहीं होने वाला, और दोबारा से उसे किस करने लगती। और फिर सीन चेंज होता है। युहा खाने के लिए बैठा होता है तो वो बहुत हैरान था, इतनी सारी डिशेज थी और सुजैन ने सारी उसी तरह की बनाई थी जैसी वो खाना पसंद करता है। सुजैन उसे बताती है मैंने नहीं, ये सारा कुछ तुम्हारी मम्मी ने बनाया है और फ्रिज में तुम्हारे लिए स्टोर करके गई थी। युहा ये सुनकर खामोश हो जाता है। वो अपनी मम्मी के बारे में कोई भी बात नहीं करना चाहता था। वेल, अब नेक्स्ट डे उन्होंने अपना टास्क पूरा करके वापस अपनी यूनिवर्सिटी में जाना था। यहाँ पर रास्ते में युहा को कॉल आती है और पता चलता है कि मस्क के जो भी इश्यूज थे मूवमेंट से रिलेटेड वो अब रिजॉल्व हो चुके हैं। ये सुनकर वो दोनों खुश हो जाते हैं, क्योंकि बहुत जल्द ही रोबोट कॉम्पिटिशन था और उसमें उन्होंने भाग लेना था। यहाँ पर युहा सुजैन से कहता है कि तुम जब भी मेरी लाइफ में आती हो तो मुझे इमोशनली स्ट्रगल करने में हेल्प करती हो। मुझे लोगों से इंटरेक्ट करने में बहुत डिफिकल्टीज होती थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मैं खुद को एक्सप्रेस करना सीख रहा हूँ, और यही चीज़ मस्क को डिवेलप करने में भी मेरी हेल्प कर रही है। अब जब सुजैन वापस जाती है तो उसके पास बहुत हैवी सामान था। इतने में सामने से मैंग आती है और उसकी हेल्प करने की ऑफर करती है। अब वो उसका सारा लगेज कमरे तक पहुँचा देती है। सुजैन सबके लिए गिफ्ट्स लेकर आई थी, वो बाकी दोनों के डेस्क पर तो रख देती है, लेकिन फिर थोड़ा सा कुछ सोचती है और जाकर मैंग को भी उसका गिफ्ट दे देती है। मैंग उससे सॉरी करती है और कहती है कि मुझसे गलती हो गई थी। एक्चुअली मेरी फैमिली के ऊपर बहुत बर्डन है, हम लोग बहुत गरीब हैं,
मैं अफोर्ड नहीं कर सकती कि किसी तरह खुद से पोस्ट ग्रेजुएशन करूं, इसीलिए मुझे टॉप 3 स्टूडेंट्स में आना था। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकी जब इस दफ़ा के एग्ज़ाम में तुम मुझसे एक रैंक ऊपर थी। सोचांग बोलती है कि यह सब देख कर मैं बहुत हर्ट हो गई थी, मैंने तुम्हें एक सच्चा फ्रेंड माना था, मुझे ऐसा लगा कि तुमने मुझे जैसे बिट्रे किया हो। वेल, अब फाइनली उनकी सुलह हो जाती है। मैंग उससे बार बार सॉरी करती है और सोचांग भी उसे माफ़ कर देती है। अब युहा सोचांग को पिक करने उसके हॉस्टल के बाहर आया हुआ था। वो बताती है कि हमारी सुलह हो गई है और इसीलिए मैंने तुम्हें थोड़ा सा वेट कराया, और फिर वो दोनों इकट्ठे लैब में चले जाते हैं। जिरान ने भी उनकी लैब को ज्वाइन किया हुआ था। जिरान बहुत इंटेलिजेंट थी और उसने मस्क की मूवमेंट को सही करने में बाकी सारे सीनियर्स की बहुत ज़्यादा हेल्प की थी। अब इसके बाद युहा एक सीक्रेट प्लेस पर जाता है, एक अजीब सी जगह जहाँ पर एक लड़का बैठा गेम खेल रहा होता है। उस बॉय का नाम लिन यू था। ये लड़का एक्चुअली युहा का फ्रेंड था और उन दोनों ने इकट्ठे ही कुछ सालों पहले एक रोबोट कंपटीशन में जाने के लिए पार्टिसिपेट किया था, लेकिन फिर कोई ऐसा हादसा हो गया था जिसके बाद लिन यू ने ये सारा कुछ छोड़ दिया था। युहा उसे कहता है, हमें हारना नहीं चाहिए, मैंने दोबारा से रोबोटिक्स स्टार्ट कर दिए हैं, और वो उसको भी इनकरेज करता है, लेकिन वो उसकी बात सुने बगैर वहाँ से चला जाता है। उधर हमें शीशी और गुजान को दिखाते हैं। उन्होंने बाइक खरीद ली थी और वो अपनी बिल्डिंग से रोजाना इकट्ठे आते जाते थे, बिल्कुल एक आइडियल कपल की तरह। आज मस्क का एक टेस्ट हो रहा था। आज एक और सीनियर जिसका नाम जैंग था वो उसके सामने बैठा होता है, वो अपसेट था, वो उसे इमोशनली कैसे कंफर्ट करेगा इसकी टेस्टिंग होनी थी। लेकिन एक प्रॉब्लम हो जाता है, मस्क उसको कंफर्ट करने की बजाय कुछ ऐसी बातें कह देता है उल्टा, जिससे उस सीनियर को गुस्सा आने लगता है। अब सभी परेशान हो गए थे और युहा भी हैरान था। सिर्फ अब तक युहा ने ही मस्क की ट्रेनिंग की थी, वो सोचता है कि शायद मेरी तरफ से ही ट्रेनिंग में कोई गड़बड़ है क्योंकि मैं इमोशनली इतना अच्छा नहीं। अब वो उसके अंदर डाटा फीड कर रहा होता है, उसकी फंक्शनिंग में जो भी प्रॉब्लम था उसे सॉल्व करने की कोशिश करता है। यहाँ पर सोचांग उसे ऑफर करती है कि क्यों ना मैं कुछ दिनों तक मस्क की ट्रेनिंग करूँ, क्योंकि ये तुम्हारे साथ तो बहुत अच्छा था लेकिन बाकी लोगों के साथ इसका बिहेवियर इतना अच्छा नहीं। सोचांग वैसे भी लोगों को कम्फर्ट करने में और इंटरेक्शन में बहुत अच्छी थी। वो काफ़ी अर्से तक युहा की हेल्प करती है मस्क की ट्रेनिंग करने में, और साथ में युहा प्रोग्रामिंग के हर प्रॉब्लम को सॉल्व करता रहता है। इस तरह से बहुत दिन गुजर गए थे और फाइनली अपनी तरफ से उन्होंने सारा काम कंप्लीट कर लिया था रोबोट कंपटीशन स्टार्ट होने से पहले ही। और यहीं पर ये सेकंड लास्ट पार्ट खत्म होता है। अब लास्ट पार्ट देखने के लिए स्टे कनेक्टेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।